नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 7 चरणों में संपन्न इन चुनावों में लगभग 70% मतदान हुआ। निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। श्री सिन्हा ने ये भी बताया कि इस वर्ष के आम चुनाव 2014 के चुनाव की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण रहे। मतदान पूरा होने के साथ ही लोकसभा की 542 सीटों के लिए 8,049 उम्मीदवारों का राजनैतिक भविष्य सील बंद हो गया है। अब सबकी निगाहें हैं 23 मई को होने वाली मतगणना पर। वोटों की गिनती को लेकर तैयारियां प्रदेश में भी जोरों पर है। इसी पर आधारित है हमारे आज का प्रादेशिक समाचार दर्शन। बात करेंगे नरसिंहपुर की। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बता रहे हैं कि वहां पर मतगणना की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। नरसिंहपुर जिले में होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र एवं मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम दौर में है। जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में आगामी 23 मई को सुबह 8 बजे से जिले की 4 विधानसभा नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवारा और तेंदुखेड़ा में किए गए मतदान के लिए मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि जिले की गोटेगांव सीट मंडला संसदीय क्षेत्र में आती है। इसके अलावा अन्य 3 सीट होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि इस बार मतगणना में 24 घंटे का समय लग सकता है। उसी को देखते हुए व्यापक तैयारियां व इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 मतगणना टेबलें लगाई गई हैं। मतगणना के लिए 327 मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा 97 मतगणना पर्यवेक्षक, 125 मतगणना सहायक और 105 माइक्रो ऑब्जर्वर को भी मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें रिजर्व दल के सदस्य भी शामिल हैं। मतगणना की रिहर्सल 21 मई को सुबह 8 बजे से नरसिंहपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण में की जाएगी। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। शिवपुरी में भी मतगणना की तैयारियां जारी है। यहाँ पर आज मतगणना कर्मियों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी व कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुग्रह पी ने आवश्यक दायित्व दिए हैं। इसके अलावा मतगणना काम के लिए नियुक्त किए गए मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक, अतिरिक्त गणना सहायकों का पहला व दूसरा चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। आज द्वितीय चरण का प्रशिक्षण का काम 2 पालियों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में प्रदाय किया गया, जबकि विधानसभा बार प्रशिक्षण का काम 22 मई को 2 पालियों में किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए विधानसभा बार मतगणना हॉल तैयार किए गए हैं। आज इन मतगणना हॉल का अवलोकन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व उनके अभिकर्ताओं को कराया गया। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर शासकीय PG कॉलेज में लोकसभा चुनाव की मतगणना का काम होगा। इसमें जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी। इसमें गुना संसदीय सीट के तहत 3 विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी, कोलारस व पुछोर विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी, जबकि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र करेरा व पौरी के मतों की गिनती का काम होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। और अब जबलपुर जिले की मतगणना की तैयारियों के बारे में विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी में जिला एवं पुलिस प्रशासन जुट गया है। यहाँ MLB स्कूल में बनाए गए मतगणना स्थल पर आज मतगणना की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें करीब 900 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान सभी कर्मचारियों ने अपने अपने ड्यूटी बखूबी निभाई। 5 राउंड में चली मॉक ड्रिल के दौरान यह देखा गया कि किस काम में कर्मचारियों को कितना समय लग रहा है। वही 21 मई मंगलवार को चुनाव आयोग की सुविधा ऐप की तैयारी का प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर राउंड की गिनती का अपलोड कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। 22 मई को एक बार फिर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों, बिजली, इंटरनेट और सुरक्षा से जुड़े पूरे सिस्टम की जांच की जाएगी। वहीं मतगणना वाले दिन
मतों की गिनती के लिए 500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। मतगणना के दौरान 10% कर्मचारी रिजर्व में रखे जाएंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उनकी सेवाएं ली जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। और अब रायसेन जिले में किस तरह की तैयारियां मतगणना को लेकर चल रही है, इसी पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 23 मई को जिला मुख्यालय रायसेन स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रायसेन में की जाएगी। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा के 308 मतदान केंद्रों के लिए 22 चरणों में मतगणना की जाएगी। इसी प्रकार विदिशा संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र भोजपुर के 299 मतदान केंद्रों के लिए 22 चरणों में, विधानसभा क्षेत्र सांची के 326 मतदान केंद्रों के लिए 24 चरणों में तथा विधानसभा क्षेत्र सिलवानी के 273 मतदान केंद्रों के लिए 20 चरणों में मतगणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा दो गणना सहायक की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही ईवीएम लाने ले जाने के लिए एक एक सहायक की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। हरदा में मतगणना के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। यहाँ 23 मई को होने वाली मतगणना का पूरा काम महिलाओं द्वारा किया जाएगा। मतगणना के लिए 84 महिलाओं का चयन किया गया है। वे हरदा और टिमरनी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जिम्मेदारी संभालेंगी। खास बात यह है कि मतगणना केंद्र की सुरक्षा और अन्य कामों की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी गई है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना दलों को प्रशिक्षण भी दिया गया। ये वाकई में अपने आप में एक बेहद सराहनीय पहल है। हरदा कलेक्टर एस विश्वनाथन ने आकाशवाणी को बताया कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस देकर खुद को साबित किया है। हरदा में भी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के दौरान ऑल वुमेन मैनेज्ड पोलिंग बूथ में मतदान कराने की जिम्मेदारी को महिलाओं ने अच्छे से निभाया है। इस बार हमने जिले की लोकसभा के लिए जो आने वाली मतगणना में महिलाओं की ड्यूटी लगाई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं का उत्साह देखकर भरोसा है कि इस चुनौती में भी वो लोग आसानी से निभा लेंगी, तो ये अच्छा एक पहल है। और अब आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार 40 घंटे के लिए चुनाव पर लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019 प्रस्तुत करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे। इसी तरह देश भर में आकाशवाणी की सभी 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां भी विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करेंगी। लोकतंत्र के महापर्व पर समाचार सेवा प्रभाग की खास पेशकश, विशेष जनादेश 2019। कौन पहनेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार? लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे ताजा हाल। देहरादून से राघवेश पांडे, दिल्ली से आनंद कुमार। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से संजीव शर्मा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु। शिलोंग से समीर वर्मा। रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सिन्हा। नागपुर से गौरी मराठे। साथ ही विशेषज्ञ करेंगे चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध। नवीनतम परिणामों के लिए देखें हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और फॉलो करें ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi। और अब रीवा जिले में चल रही मतगणना की तैयारियों पर पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। रीवा में मतगणना को लेकर आवश्यक तैयारियां जोरों पर हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना विधानसभावार टेबल पर होगी। प्रत्येक विधानसभावार 14 टेबल लगाई जाएंगी और प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ 3 कर्मचारी लगाए जाएंगे। यहाँ की 8 विधानसभाओं को मिलाकर 132 टेबलों पर मतगणना की जानी है। सर्वप्रथम 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी, इसके बाद ईवीएम मशीनों से गणना आरंभ की जाएगी। मतगणना के लिए 800 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मिलाकर 1200 से अधिक कर्मचारियों को इस कार्य हेतु लगाया गया है।
मतगणना के दौरान हर टेबल पर राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के एक एक गणना एजेंट होंगे, उन सभी के पास जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है। मतगणना केंद्र में सिर्फ पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। यही नहीं, शहर के प्रमुख स्थानों पर LED भी लगाई जाएगी, जिसके जरिए मतगणना की राउंड वार जानकारी भी लोगों को प्राप्त होती रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। उमरिया जिले में भी मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सैडोल संसदीय सीट अंतर्गत आने वाले उमरिया जिले की दोनों विधानसभा बांधवगढ़ व मानपुर में हुए मतदान के मतों की गणना जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में कड़ी सुरक्षा के मध्य 23 मई को प्रातः 8 बजे से की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचित सोमवंशी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रेंडम रूप से चयनित 5 मतदान केंद्रों की VVPAT द्वारा निकाली गई पर्चियों की गणना एक एक करके की जाएगी। मतगणना कर्मियों को मतगणना प्रारंभ करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसका पालन उन्हें पूरी मतगणना के दौरान करना है। इसका उल्लंघन होने पर RP एक्ट 132 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। प्रातः 6 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थित में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जिसमें उनसे उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। एक चक्र की मतगणना पूरी होने पर उसके पश्चात ही अगले चक्र की मतगणना प्रारंभ की जाएगी। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के 2 कक्षों में मतगणना हेतु 14-14 टेबल लगाए गए हैं और इसकी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। और अब ग्वालियर जिले की मतगणना तैयारियों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ग्वालियर लोकसभा संसदीय सीट के लिए चुनाव मैदान में खड़े 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 23 मई को होने वाली मतगणना के बाद हो जाएगा। इस सीट के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा के विवेक नारायण शिजवलकर और कांग्रेस के अशोक सिंह के बीच माना जा रहा है। मतगणना के लिए MLB कॉलेज में लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती 23 मई को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। इसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती MLB कॉलेज में और शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती PG कॉलेज शिवपुरी में होगी। जिले के हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14 टेबलों पर मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक 23 मई को प्रातः 8 बजे पहले डाक मतपत्रों एवं सेवा मतदाताओं द्वारा भेजे गए मतों की गिनती शुरू होगी। ग्वालियर जिले में मतगणना के लिए तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को शनिवार को LNIPE में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना के लिए तैनात अमले ने खास तौर पर EVM में दर्ज मत गिनने की बारीकियां सीखी। मतगणना अमले को मास्टर ट्रेनर्स SB ओझा व डॉक्टर प्रवीण ओझा सहित अन्य मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षित किया। 22 मई को भी मतगणना अमले को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी द्वारा चरणवार जैसे जैसे मतों की गिनती के पश्चात उद्घोषणाएं की जाएंगी, उसी क्रम में शहर की स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित विभिन्न डिस्प्ले स्क्रीन तथा नगर निगम के माध्यम से लगाई गई बड़ी स्क्रीनों पर प्रत्याशियों को प्राप्त मतों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार एक नए अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, 23 मई को मतगणना है और पहली बार देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी 40 घंटे के लिए चुनाव पर लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। तो सुनना ना भूलिएगा 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019। आज के लिए इस अंक में इजाजत दीजिए, नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और दीपा सिंह, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।